नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रेलवे ने 63,000 पदों पर भर्ती प्रारंभ कर दिया है। 63,000 पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। ये एक बहुत बड़ी भर्ती है, एक अवसर है जिसको आप लोगों को पूरा करना है, सफलता प्राप्त करनी है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस किस जोन में कितनी सीटें हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का, लास्ट डेट क्या है, ये सारी बातों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मित्रों, इस एग्ज़ाम से जुड़े कुछ फिजिकल टेस्ट हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। मेल कैंडिडेट शुड बी लिफ्ट, मतलब आदमी मेल कैंडिडेट 35 kg वेट को उठा सके 100 मीटर तक इन और 2 मिनट में, और 1000 मीटर रनिंग कर सके 4 मिनट 15 सेकंड में, एक ही बार मौका दिया जाएगा। फीमेल 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर तक 2 मिनट में चलना है, और 1000 मीटर की रनिंग 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना है, इसमें भी एक ही चांस दिया जाएगा। अब देखिए, RRB अहमदाबाद जनरल की 3056 सीटें हैं, SC की 901, ST की 477, OB की 1653 सीटें हैं। उसके बाद आता है अजमेर में जनरल की 2493, SC की 704, ST की 360, OBC की 1198, टोटल 4775। इलाहाबाद जोन में 2533, OBC की 736, ST की 352, SC की 1141। बेंगलोर जोन जनरल 1184, SC 493, ST 296, OBC 991। भुवनेश्वर में जनरल की 783, SC की 245, ST की 158, OBC की 346। बिलासपुर जनरल की 587, इस बोर्ड में काफ़ी कम सीटें हैं, इसकी बात नहीं करते हैं। फिर चंडीगढ़, बहुत अच्छा बोर्ड है, फेयर बोर्ड होता है यहाँ पे काम। चंडीगढ़ में 3955 सीटें जनरल की हैं, SC की 1174, ST की 590 और OBC की 2113 सीटें हैं। चेन्नई बोर्ड, ये साउथ का है, आप लोग भरेंगे भी नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोरखपुर बोर्ड में 1686 सीटें हैं, 1686 सीटें जनरल, 500 SC की, 276 ST की, 926 OBC की, तो ये बोर्ड आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो ITI मांगी गई है, इलेक्ट्रिकल, मतलब ITI आप लोग एक कैटेगरी है कि एक एलिजिबिलिटी है कि आप लोग ITI पास होने चाहिए। ट्रेड हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल के लिए हेल्पर के लिए सब में इलेक्ट्रिकल, हेल्पर ब्रिज के लिए सिविल इंजीनियरिंग, और हेल्पर सिग्नल के लिए SNT, हेल्पर सिग्नल SNT, ये सब विभाग हैं। उसके बाद कुछ सीटें हैं जिसमें आपको नॉर्मल वैकेंसी है, हाई स्कूल में हॉस्पिटल अटेंडेंट, मेडिकल अटेंडेंट। रेलवे में 63,000 पदों की भर्ती खुली, तो अब हम लोग आगे बात करेंगे सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम की लास्ट डेट क्या होगी। तो मित्रों, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट 12 मार्च है, तब तक आप लोग फॉर्म सुनिश्चित कर लीजिए भरकर। कितनी फ़ीस पड़ेगी अभी हम आपको बताएंगे। इसके सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस आपका जल्दी अगर कोई नया सिलेबस होगा तो अपडेट हो जाएगा, मार्केट में बुक आ जाएगी, आप लोग उससे प्रैक्टिस करिएगा। रेलवे का एक सेट पैटर्न पर एग्ज़ाम आता है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। 12 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। जनरल की फ़ीस 500, जनरल OBC की, SC ST या हैंडीकैप की 250, और फीमेल के लिए भी 250, तो फीमेल की फ़ीस इन्होंने लगा दी है इस बार भाई। तो ये महत्वपूर्ण डेट हैं, एग्ज़ाम अप्रैल या मई में हो सकता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे अप्रैल मई में, इसलिए आप लोग तैयार रहिए।